आईकू जल्दी अपना नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है, iQOO 9। भाई इसके बारे में बताता, आईकू ज़्यादा फ़ोन लॉन्च नहीं करता, लेकिन जितने भी फ़ोन लॉन्च करता है काफ़ी तगड़े फ़ोन होते हैं। जो फ़ोन होते हैं मिड रेंज फ़ोन, गेमिंग के लिए ज़्यादातर पॉपुलर है। जितने भी गेमिंग टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग आईकू को ही पसंद करते हैं। मैं ज़्यादातर गेमर्स यही फ़ोन यूज़ करते हैं। मैं सबसे कम प्राइस में अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड करने वाला जो फ़ोन है आईकू का ही है। iQOO 9 चाइना में लॉन्च भी हो गया है, लेकिन जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको 6.56 इंच 10-bit AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। 10-bit जिन लोगों को पता नहीं है भाई, काफी नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले होता है। हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनमें 8-bit डिस्प्ले होता है। 8-bit के मुकाबले जो 10-bit का डिस्प्ले है 64 टाइम्स कलर ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसकी जो थिकनेस है 8.6 mm है, कंफर्टेबल साइज में आएगा, ना मोटू ना पतलू। ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी, ना मोटू और पतलू की जोड़ी। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1000 का टच रिस्पांस रेट। आपको जो गेमिंग में एक्सपीरियंस है काफी तगड़ा मिलेगा। गेमर्स है उनको शायद पता हो, स्क्रीन पे हल्का सा टच करने पे भी आपका जो मोबाइल है दौड़ने लगे। उसके बाद ऐसा होगा कि आप इशारों से अपना फोन चला सकते हैं, जैसे अभी जो लड़कियां लड़कों को इशारों से नचाती है। समझ रहा हूं? मैं एक न्यू चिप ऐड किए, इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप। 60 FPS वाले जो गेम है 90 FPS में, 120 FPS में बड़े आराम से खेल सकते हैं। ज्यादातर जितने भी गेमिंग फोन्स होते हैं उनमें जो कैमरा क्वालिटी हो बहुत ही थर्ड क्लास होते हैं। iQOO में ऐसा नहीं है। iQOO का और vivo का कुछ चक्कर चालू है, इस वजह से जो vivo में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है iQOO के फोन्स में भी मिले। Z3, iQOO 7 और भी जो iQOO के फोन्स है उनमें भी जो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी थी। वाले फोन में भी आपको 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 60 MP का फ्रंट कैमरा मिले। वाले कैमरे में आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन ऐड किया है, अलग से गिम्बल वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं। 9 की जो प्राइस है 42,000 के आसपास रहेगी। प्राइस पॉइंट पे फ्लैगशिप 8 जनरेशन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888+ आना बहुत बड़ी बात है। इस वाले फोन में आपको एंड्रॉइड 12 भी मिलेगा। एंड्रॉइड 12 के साथ काफी सारे नए नए फीचर्स वगैरह मिले। फोन में आपको गेमिंग के लिए बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड किए। एक कूलिंग सिस्टम ऐड किया है, वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम। ठंडी चालू है इसी वजह से इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जल्द ही गर्मी आएगी तो तब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। लाइनर 4-day वाइब्रेशन, काफी लंबे लंबे नाम है। क्या होता है, आपने कभी गेमिंग कंसोल देखा होगा या चलाया होगा, कंट्रोल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, उन बटन्स में अलग अलग वाइब्रेशन वगैरह मिलते हैं। एक बटन पर डिफरेंट वाइब्रेशन मिलेगा। यही कुछ फंडा iQOO 9 में भी ऐड किया। फोन में आपको स्टेरियो स्पीकर भी मिलेंगे। इन सारे फीचर्स को मिला के जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। प्राइस पॉइंट पे काफी सारे फोन आते हैं। अभी OnePlus 9 RT भी लॉन्च हुआ, लेकिन आप एक गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही तगड़ा फोन है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फोन होगा ये। iQOO 9 में सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।